पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में लामुदी डॉट पी के की जानिब से एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी फेस्टिवल का इनकाद हुआ। इसी फेस्टिवल में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी ने भी पार्टिसिपेट किया, जिनके स्टॉल पर अवाम की एक बड़ी तादाद जोशो खरोश के साथ दिखाई दी। इसी मौका पर मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी के CEO, मैनेजर मार्केटिंग और दीगर लोगों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। ये जो दो दिन आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो कैसा रिस्पांस रहा? बहुत माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस है। दो दिन कंटिन्यूसली हमारी यहाँ पे सेल्स टीम के तकरीबन 10 मेंबर्स यहाँ पर हैं और इंक्लूडिंग मी तकरीबन 12 लोग हैं। सारे के सारे मुसलसल बिजी रहे। दूसरे दिन का इख्तिताम है और अभी तक भी लोगों का रابطہ हमसे हमारे साथ हो रहा है। मतलब ये समझें कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन से बढ़ के रिस्पॉन्स रहा। और नॉट ओनली हमने यहाँ पे खाली कस्टमर्स को विजिट्स, बल्कि हमारे कई यूनिट्स यहाँ पर सेल भी हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिन्होंने ये प्रॉपर्टी एक्सपो अरेंज किया है, उनकी बहुत अच्छी काविश और बहुत अच्छा लोगों का यहाँ पे मजमुआ था। दिस प्रोजेक्ट इज इन बैरिया इनक्लेव सिविक जोन एंड दिस प्रोजेक्ट एक्वायर्स टोटल 56 कनाल लैंड और 2 स्टोरेज मॉल हैं एंड देन 9 स्टोरेज इसके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। टोटल जो इसके स्टोरेज हैं 13 स्टोरेज हैं, 2 बेसमेंट फॉर पार्किंग, 2 स्टोरेज फॉर मॉल एंड देन 9 स्टोरेज फॉर रेजिडेंशियल। यहाँ मुझे ये बताइए कि वो क्या अट्रैक्शन थी जिसकी वजह से आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की? इसके दो तीन रीज़न है। मेन रीज़न ये है कि सबसे एक तो इनकी सक्सेसफुल स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं, लाइक इनका दुबई में इनके जो है जो टावर बनाए वो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। कराची में इनकी बहुत अच्छी मैंने देखी हैं, जो इनकी बिल्डिंग्स बनाई हैं वो बहुत सक्सेसफुल है। सेकेंडली इनका जो रूफ टॉप के ऊपर इन्होंने जॉगिंग ट्रैक और जो क्या कहते हैं इन्होंने जो फूड कोर्ट दिया है और ये सब कुछ बहुत क्लिकिंग था मेरे लिए। दैट्स व्हाई आई जस्ट पिक एंड आई इन्वेस्टेड ओवर देयर। मैंने देखा है कि ये एक्सपो हो रहा है और काफ़ी सारे ब्रांड्स इसमें आए हैं, बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं और मैंने इन सब के स्टॉल्स देखे हैं। लेकिन ये जो मदीना माल जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसमें बड़ी पोटेंशियल भी है और नज़र आ रहा है कि इसमें बहुत सारी बिल्डिंग भी बड़ी ऊंच है। और कम से कम अभी इनसे इन्फॉर्मेशन ली है, वो बता रहे हैं कि 56 कनाल का है ये प्रोजेक्ट।